हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं इतने दिन से फिटनेस वाली वीडियो बना रही थी तो सोचा अब व्लॉग ट्राई कर लेती हूँ। मुझे व्लॉग बनाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, इसलिए मुझे थोड़ा नर्वस भी फील हो रहा है। बट मैं सभी के देखती हूँ औरों के, जब वो व्लॉग बनाए होते हैं वो अपना सब कुछ शेयर करते रहते हैं, मतलब क्या खाया, कहाँ गए, क्या लाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी व्लॉग ट्राई कर लेती हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। अभी मॉर्निंग में मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पढ़ना होता है। तो अभी मैं उठ गई हूँ, अभी मैं फेस वॉश करके आऊँगी। ठीक है, तो चलें फिर फेस वॉश करने। केमिकल यूज नहीं करती, बेसन है, बेसन से फेस वॉश करूँगी। किचन में आ गई हूँ। अब मैं एक ग्लास पानी पीऊंगी। सुबह सुबह खाली पेट हमें 1 से 2 ग्लास पानी पीना चाहिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैं सुबह 1 गिलास पानी पीती हूँ, बैठ के पीना है, दूसरी बात सिप सिप करके पीना है, एक साथ इकट्ठा नहीं पीना। ओके, अब बनाएंगे ग्रीन टी। मैं ग्रीन टी भी पीती हूँ, अभी तो मैंने पानी पिया, 5-10 मिनट ठहर के फिर मैं पीऊँगी ग्रीन टी। गाइस, मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ और न्यूज़पेपर भी आ चुका है, तो मैं सुबह सुबह न्यूज़पेपर भी पढ़ लेती हूँ। मैं न्यूज़पेपर पढ़ना कभी भी मिस नहीं करती। चलो, तो न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ मैं। नाउ माय स्टडी टाइम, अभी मैं स्टडी करूँगी 1 से 1.5 घंटा। तो गाइस, अब मेरे वर्कआउट का टाइम हो गया है। मैं 40 से 45 मिनट तक वर्कआउट करूँगी। मैं अपना वर्कआउट कभी मिस नहीं करती क्योंकि फिट रहना मुझे बहुत, ठीक है। अब मैं रेडी हो रही हूँ वर्कआउट के लिए।
मैं रेडी हो चुकी हूँ। मुझे पहने हैं सूट। अभी मेरा ब्रेकफास्ट टाइम है, मुझे भूख लगी बहुत ज़ोर से, तो अभी मैं कुछ खाऊंगी, ठीक है, ब्रेकफास्ट करूंगी और फिर ब्रेकफास्ट के बाद अपना नेक्स्ट काम करूंगी। गाइस, मैंने मेरा वर्कआउट भी कर लिया और ब्रेकफास्ट भी कर लिया और नहा भी ली। अब मैं मेरा नेक्स्ट करूंगी, मेरे बाल मैंने आज धोए हैं तो इनको ड्राई करूँगी, उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हूँ 11 बजे तक, क्योंकि मैं 11 बजे लंच करती हूँ और 11 बजे तक मैं अपनी स्टडी करूँगी, क्योंकि उससे पहले मुझे कोई भी काम नहीं होता, ठीक है। तो मैं 12 बजे से पहले पहले लंच कर लेती हूँ, कभी लेट नहीं करती मैं लंच के लिए। जो मॉर्निंग में थे मेरे सारे काम कंप्लीट कर लिए हैं, अब मैं स्टडी करूँगी और अब मैं 11 बजे से पहले कहीं नहीं उठने वाली। 11 बजे के बाद जब मेरा लंच टाइम होएगा तब मैं लंच करूँगी, उससे पहले मैं स्टडी करूँगी। तब तक गाइस, मेरी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, 11 बज चुके हैं, अभी मेरा लंच टाइम हो गया है। तो गाइस, मेरी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है और 11 बज गए हैं, अब मेरा लंच टाइम हो चुका है, तो अभी मैं लंच करूँगी। और क्योंकि मैं 12 बजे से पहले पहले लंच कर लेती हूँ, तो लंच के बाद ऐसे मुझे आदत है कि मैं सोती तो नहीं हूँ,
10-15 मिनट तो मैं वॉक करती हूँ। वॉक करने के बाद फिर बाद में सोती हूँ। अगर मैं सोती हूँ गाइस, अब 4 बज चुके हैं। अब मेरा टाइम है टी टाइम। इवनिंग में मैं एक चाय पीती हूँ, तो अब मैं चाय पीऊँगी, एक कप चाय और शुगर फ्री बिस्किट जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मेरे फेवरेट है ये। ओके, फिनिश। अब करेंगे नेक्स्ट वर्क। अब मैं थोड़ी देर चलाऊंगी फ़ोन, क्योंकि सुबह से मुझे फ़ोन चलाने का टाइम ही नहीं मिला। मैं थोड़ी देर फ़ोन चलाऊंगी, इंस्टा देखूंगी, यूट्यूब देखूंगी, देखूंगी आप लोगों ने कैसे कमेंट किए हुए हैं, मेरी वीडियो कितनी देखी है, कितने व्यू आए हुए हैं। ओके गाइस, मैंने मेरा डिनर भी फिनिश कर लिया है। नाउ स्लीपिंग टाइम। ओके, मैं सोऊंगी और मैं 9 बजे तक सो जाती हूँ। कभी कभी होता है कि मैं लेट भी हो जाती हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 9 बजे सो जाऊँ, क्योंकि सुबह मुझे जल्दी उठना पड़ता है ना पढ़ने के लिए, इसलिए मैं जल्दी सो जाती हूँ। ओके